ने क्या बताया मुरली ने, बाबा ने क्या बताया मुरली ने, दान पात्र को देखकर करना है। लेकिन दान भी क्या करना है, कौन सी दान करना है, ज्ञान दान। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, सारे चक्र का ज्ञान दे दे। तो बाबा ने बार बार बताया सबसे पहले मेरा परिचय है ना, आत्मा कितनी देर सुनेगी यह हम नहीं कह सकते। आत्मा हो सकता है 2 मिनट सुनेगी, 10 मिनट सुनेगी, अगर 2 मिनट सुन के गई तो क्या सुनना चाहिए उसको, शिव बाबा का परिचय है ना, परमात्मा का परिचय। यह मुख्य बात सबसे पहले सुनाओ बाबा कहते हैं, यह नहीं पूरा चक्र का ज्ञान सुनाओ, सत्युग आएगा त्रेता आएगा, हाँ यह सुनेगा तो क्या होगा, 2 मिनट वो सुन के चला जाएगा तो वो क्या क्या बोलेगा दुनिया में, दुनिया में जाके बोलेगा यह तो चक्कर है, चक्कर है, चक्कर चक्कर है, ज्ञान नहीं है चक्कर। इसलिए सबसे पहले बाबा हमेशा मूल्यों में कहते हैं परमात्मा का परिचय देना, क्योंकि आत्मा में अगर समझो बहुत 1 मिनट के लिए आपका बात सुनकर चली गई ना, तो वो जो परमात्मा का जो परिचय है वह उसकी बुद्धि में प्रवेश है, उसके आधार पर वह कभी भी ज्ञान में आ सकता है। इसलिए सारा ज्ञान सुनाना माना यह नहीं सुनाना क्या कहना है क्या नहीं कहना है, हा? क्या बोलना क्या नहीं बोलना, यह सब ज्ञान जो है यह ब्राह्मणों के लिए। जब भी हम नए आत्माओं की सेवा करते हैं तो सबसे पहले परमात्मा का परिचय देना, शिव बाबा का परिचय, मीठा बाबा का परिचय हमें सबसे पहले देना है, क्योंकि यह बुद्धि में हमेशा उसकी सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट उसकी बुद्धि में रहेगी, बाकी सब ज्ञान बाद में